राम भाई सर ने मैं तारा साथी प्रेम शोभन अपने यूट्यूब चैनल पर तारा सर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ ये चैनल अपने सुनील भाई का जो फॉर्म नोटिस वाले हैं और आपको इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड नौकरी मतलब जो वीडियो मिलती होगी ठीक है। लेकिन आज से हमने एक नई पहल शुरू की है जिस पर हमें जो बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको जो कंपटीशन एग्जाम में मैथ ओरिजिनल पूछाता है तो उसकी वीडियो डाली जाएगी यहाँ पर ठीक है। हर रोज एक वीडियो आपको मैथ की मिलेगी और एक वीडियो आपको मिलेगी रीजनिंग की ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो आगे आने वाली वैकेंसी है जो दिल्ली पुलिस का पेपर है तो दिल्ली पुलिस और एक पेपर है आगे आएगी वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी या इनसे अलग अगर कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें मैथ पूछाता है। अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं आता आपको तो जीरो है लेकिन आपको बढ़िया तरीके से मैथ करना है तो इस चैनल पर आपको हर रोज एक वीडियो मैथ की मिलेगी और एक वीडियो मिलेगी रीजनिंग की ठीक है। हर रोज मिलेगी यानी कि एक दो वीडियो डाल दी उसके बाद बंद कर देंगे आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो या आप SSCGT तैयारी करो चाहे कौन सा एग्जाम की तैयारी कर लियो ठीक है। जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है तो हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगी मैथ की और एक वीडियो मिलेगी रीजनिंग की और इसके बाद आप मेरी गारंटी है कि आपको मैथ और रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको भी पता होगा जो दिल्ली पुलिस का पेपर है उसमें मैथ आएगा 15 नंबर का और जो 25 नंबर की है वो आएगी रीजनिंग ठीक है। अगर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल पर आपको हर रोज वीडियो मिलेगी और इससे बार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन दोगे या पेपर देगा हुए तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और 25 के 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिलेंगे लेकिन कंडीशन है कि भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी यानी कि मैंने करवा दिया और आप नहीं करा आप सोचोगे सभी के सभी नंबर आएंगे मुझसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है अच्छी तरीके से नौकरी लेनी है तो आपको हर रोज डेली वीडियो मिलेगी ठीक है। उसके बाद आप पर डिपेंड करेगा कि आप इनको कितना कर पाते हैं भाई 15 नंबर में से या 25 नंबर में से कितने नंबर लेंगे। सेम इसी तरह से SSCGT में 25% आएंगे रीजनिंग के और 25% आएंगे मैथ के या इनसे अलग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी जो मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा उसमें होगा। तो आपसे विनती है कि आप हर रोज वीडियो देखें इससे आपका ही फायदा होगा मेरा जब क्या फायदा होगा तो आपको ही फायदा होगा अगर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके नौकरी लेनी है ठीक है। तो आज से हम मैथ की पहली वीडियो से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मैथ का पहला टॉपिक होगा आज हम मैथ में सरलीकरण से स्टार्ट करेंगे। किसे स्टार्ट करेंगे सरलीकरण। अब प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम उठा के दे लो चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो हरियाणा पुलिस का हो या कोई भी एग्जाम हो सरलीकरण से एक या दो क्वेश्चन पक्का बनता है ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई ये ठीक है। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में निकलता है ठीक है। और सरलीकरण में जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक कैसे निकाले उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है। वैसे तो इस टॉपिक को अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो 2 घंटे में भी आपका कंप्लीट नहीं होगा लेकिन इस चैनल पर जो आपको वीडियो डाली जाएगी या कंटेंट दिया जाएगा वो सिर्फ क्या होगा एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट मिलेगा आपको यानी कि जो सिर्फ हमारे एग्जाम में आता है जो पेपर में सिर्फ वही पढ़ना पड़े उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगी ठीक है। तो इकाई का अंक मात्र 2 सेकंड में आपको निकाल सकते हो आंसर भाई इकाई का अंक निकालना है और इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिट डिजिट ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले ये देखेगी इकाई का अंक क्या होता है अगर हमने रैंडमली कोई भी संख्या लिखी ये संख्या लगी तो सबसे पहले बच्चे को ये नहीं पता होता भाई इसमें इकाई का क्या होता है ठीक है। तो जो ये लास्ट अक्षर होता है इसी को हम बोलेंगे इकाई का अंक। क्या बोलेंगे इकाई का अंक बोलेंगे ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम यूनिट डिजिट और इसमें सिर्फ माइन मेन तौर पर 2 बातें याद रखनी है अगर हमें इकाई का अंक निकालना है। अब एग्जाम हमें जो हम तैयारी करेंगे वो करेंगे सरकारी नौकरी ये भी इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी संख्या निकले उसमें पूछेगा भाई इकाई का अंक बताओ ठीक है। तो उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन आएंगे और टफ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई भी संख्या निकली है या लिखी हुई है तो उसमें जो लास्ट वाली संख्या है उसे क्या हम बोलेंगे इकाई का अंक बोलेंगे ठीक है। अब इनसे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो अपने पेपर में है सिर्फ वही पढ़ा जाएगा जो अपने पेपर में आएगी ठीक है। तो उससे जो स्टार्ट करेगी और जो इकाई का अंक है इसमें सिर्फ दो बात में ही आपको पता चल जाएगा भाई इकाई का अंक कैसे निकालना है जो हमारे पेपर में आएगा ठीक है। तो सिर्फ दो बात में पता चलेगा। सबसे पहली बात क्या होगी अगर जो इकाई का अंक है उसका पिछला अक्षर
या इसका फैसला अक्षर है 0, 1, 5, 6 है, या तो इकाई का 0, 1, 5, 6 हो सकता है, या 2, 3, 4, 7, 8, 9। यानी कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है पावर में मिलेगी हमें, और पावर में अगर इकाई का अंक यानी जो लास्ट वाली संख्या 0, 1, 5, 6 है तो उसमें इकाई का अंक निकल रहा है, ये बात आपको पता लगे चलेगी एग्जांपल से। जैसे हमने संख्या लिखी 125 और इसकी पावर कितनी होगी, मान के चले हमने लिखी 27 और इसमें पूछेगा इसमें इकाई का अंक बताओ, क्या पूछेगा इकाई का अंक। तो हमें सिर्फ ये तो बात करनी है कि जो पावर वाली संख्या है, पावर वाली संख्या में मतलब सिर्फ लास्ट वाली संख्या से, ठीक है, इसके आगे कुछ भी लिखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये समझना है कि अगर पावर में इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ जो मतलब होगा वो लास्ट वाली संख्या होगा, इस साइड आपको कुछ भी लिखा मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, पहली बात ये समझनी है। उसके बाद क्या करनी है, यही अक्षर चेक करना है, यदि अक्षर ये अक्षर 0, 1, 5, 6 में से है तो उसकी पावर कितनी भी हो वो इकाई का खुद ही रहेगा। अगर यहाँ पर 0 तो इकाई का 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या लिखी उसका इकाई का 0 तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। इनका कोई फायदा नहीं, आप करा साइकिल हिस्ट्री क्या होगी इनकी या चक्रिय क्या होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ यही बात करनी है। जैसे कि अगर 125 के पास 27 है, इसमें इकाई का निकाल दो, यह चेक किया कि 5 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 5। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा, इन चारों में से कुछ भी हो इकाई का वो खुद ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले क्वेश्चन में समझे, 310 की पावर 104, ठीक है, और इसमें इकाई का अंक निकालना है, भाई इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक तो 310 की पावर 104 है तो इसमें देखो इससे कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ कुछ भी हो तो लास्ट वाला संख्या है 0 और 0 की पावर कितनी भी ले क्या रहेगा 0 ही रहना है, तो इसका इकाई का क्या रहेगा 0। तो इकाई का हमें कुल मिलाकर मैंने दो बात है, पहली बात की है अगर पिछला अक्षर पावर वाली संख्या में ये जो पिछला अक्षर लास्ट वाला अक्षर है 0, 1, 5, 6 तो इकाई का कोई रहना, ठीक है, चाहे अगर 6 है तो 6 रहूगा, 1 आएगा तो 1 रहूगा, 5 आएगा तो 5 रहूगा, 0 आएगा तो 0 रहूगा। दूसरा क्वेश्चन पड़ेगा इनसे, अगर इकाई का अगर 0, 1, 5, 6 की बजाय 2, 3, 4, 7, 8, 9 दे रखा है तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, हाँ इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है सिर्फ संख्या देखिए, 0 तो आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, लेकिन जब पावर वाली संख्याओं में इकाई का अंक अगर 0 या 2, 3, 4, 7, 8, 9 दे रखा है, जैसे इस बात को हम समझे एग्जाम्पल से, क्वेश्चन में लिखा 124 की पावर 126 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मैंने तो अभी प्रश्न दिया 124 की पावर 126 है, इसमें इकाई का अंक निकाला है, ठीक है, देखो अगर यहां पर 0 होता तो आंसर 0 देना था, 1 होता तो 1 देना था, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6 और इस साइड कुछ भी मिले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनसे अलग यहां पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर इसमें कुछ भी मिले तो पहला काम रहेगा कि जो पावर दी है उसको 4 से डिवाइड करना है, हमेशा किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद हमने रिमाइंडर लेना है, शेष फल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 126 को 4 से डिवाइड करेंगे इसका शेष बचेगा 2, कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, कितनी बार पूरा कटे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है शेष से, ठीक है। तो तब ही हमें देखिए 126 को पहले बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर 2, 3, 4 उसके बाद 7, 8, 9 बचे तो किससे डिवाइड करना, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचे वो रहना है, उसके बाद क्या होना है इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो जितना भी शेष बचे लास्ट वाला अक्षर की उतनी ही पावर होनी है, बस यही बात याद नहीं है, तो लास्ट वाला अक्षर 4 है, शेष बचे तो 4 की पावर 2 बना दो, और 4 की पावर 2 अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो सभी ने पता है तो 4 की पावर 2 कितना होगा 16, और 16 में इकाई का कितना है 6 है, कितना है 6, तो इसमें इकाई का कितना होगा 6 होगा। तो इस तरह से हम सभी भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, बस यूएस क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पावर दे देगा और उसमें इकाई का पूछेगा, ऊंचा कितने देश बिना की बकवाती कर ले इसमें कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन 2 बनेंगे, एक क्वेश्चन तो इकाई का 0, 1, 5 है तो पावर कितनी भी होगी आंसर, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया 124 की पावर 126 है, अगर इसमें अपन इकाई का निकालना है तो अगर इनमें से कोई भी आ गया तो पहला काम क्या होगा 4 से डिवाइड करना हमेशा, दूसरा काम क्या होगा 4 से डिवाइड करना, जो शेष आ गया
तो जो लास्ट प्रोडक्शन उसकी कितनी पावर बनानी है, सियावत याद नहीं है ठीक है, थोड़ा सही सोच गया तो चार की पावर दो लिखा 16 और 16 में इकाई का कितना है 6 है, और चार से डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या है तो अभी चार से डिवाइड करें, करना चार से डिवाइड है लेकिन हमेशा पिछले दो अक्षर को डिवाइड करना है, या तो 126 है छोटी संख्या है चार डिवाइड पूरी डिवाइड करें तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है लाखों में हजारों में दे रखी है तो उसको पूरी संख्या से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाले दो से डिवाइड करने हैं। देखो 126 का चार से डिवाइड करें तब भी दो से दो शेष है, अगर सिर्फ अब 26 को चार से डिवाइड करेंगे, 26 को चार से डिवाइड करेंगे तब भी कितना शेष आएगा, दो शेष आएगा। ये नियम है चार का विभाजक का नियम, जब सरलीकरण आएगा आगे आगे वाले टॉपिक आए तो उसमें भी विभाजकता के नियम एक चैप्टर हुआ तो उसमें सभी बात पढ़ाएंगे ठीक है, तो इस तरह दो तीन चैप्टर कराएंगे उसके बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं हो पाता ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन देख लो किस तरह का हुआ, क्वेश्चन देख ये क्वेश्चन लिया अपने ठीक है कि 1023 की पावर 3243 में इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक क्या होगा ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट आई गया यहाँ पर इकाई का अंक में, अगर पेपर में होती स्त्रियां हुआ एक दो टाइप होना चाहिए छोटी छोटी वो तो हम देखते हैं सकता उसमें कोई फायदा नहीं ठीक है, उसमें बाद में कराऊंगे, तो जो मेन टाइप अपने पहले वाई कराई अपने ठीक है, तो इसमें देखो एड कितना गया 3, इस तरह हम कुछ भी कोई मतलब बने अपने, चाहे तुम 102 लिखो 1002 लिखो 1,02 लिखो कोई लिखो कोई उससे कटेगा, तो ये देखो 3 है तो ये देखो पूरा चेयर डिवाइड बना सिर्फ लास्ट वाले दो अक्षर चेयर डिवाइड करो, और लास्ट वाले दो अक्षर चेयर डिवाइड करेंगे तो 43 ने चेयर डिवाइड करेगा कैसे से बचा 3 ठीक है, और जितना से बचा पावर उतनी बनानी है तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना है 27, उस 27 में इकाई का कितना है 7 है, तो इस काम से कितना जगह 7 आ जाएगा ठीक है। ये भी इनके कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लियो, इस तरह कुछ भी बनेगी ठीक है, तो इसका बोलेंगे अपन इकाई का अंक ठीक है, तो इकाई का अंक अपन इसका अंक आ जाएगा। तो ये तो अपना इकाई का निकालना ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद इकाई का अंक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सारे सारे अपने क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेकर चलो, अगला क्वेश्चन देखा इसमें और क्वेश्चन किस तरह बने देखो भाई, जमा शाम सा टॉपिक है और एक नंबर देखा था हुआ, तो अगला क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस करता अपने, क्वेश्चन देखा 1087 की पावर 1087 की पावर 432 लिया में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा ये निकालना अपने ठीक है। तो इसमें यह बताता ही है वह अगर संख्या कुछ भी लिख रहे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने संख्या की लास्ट वाली लास्ट वाली में बता दिया, पहले दोबारा रिवाइज कराऊंगे 0, 1, 5, 6 में तो देखे तो पावर चाहे कोई नहीं कटिंग वही रहना है, 0 है तो यू 0 रहा अंक, अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 रहा, लेकिन ये बैठा है जो 2 है जो 3 है जो 4 है जो 7 है जो 8 है जो 9 है जो, अगर वह आएगा तो अपन तरीका बता दिया बस संख्या ने पावर ने 4 डिवाइड करना है और 4 ने पूरा था डिवाइड नहीं करना अपने, तो अपने क्या करना पड़ेगा लास्ट वाले दो अक्षर डिवाइड कर लो, तो लास्ट वाले दो अक्षर से 32 और 32 ने 4 का डिवाइड करांगे तो 4, 8, 32 इसका शेष 0 बचेगा, सिर्फ इस टॉपिक में यह बात पढ़ी जाएगी बस जब शेष 0 बचाए इस तरह पहला शेष क्यों बचाएगा, चाहे 1 बचेगा चाहे 2 बचेगा चाहे 3 बचेगा, तो मैंने बताया कि भाई जितना भी शेष बच गया लास्ट वाला अक्षर की वाई पावर बना दो उसकी पावर का आंसर आ जाएगा, लेकिन जब बेटा शेष 0 बच जाए तो उन्होंने 7 की पावर 0 बनाओगे, अगर 7 की पावर 0 बनाओगे 1 आओगे और ये अपना गलत हो जाएगा, तो सिर्फ यह बात याद नहीं है शेष 1 बचा तो पावर 1 बनानी, शेष 2 बचा तो पावर 2 बनानी, शेष बचा 3 तो पावर बनानी 3, लेकिन यह बात याद है नोट कर ली इस बात ने, जब शेष अपना 0 बचा तो पावर 0 नहीं बनानी उसकी जगह हमेशा 4 बनाना है, पावर की जगह हमेशा 4 बनानी है, तो ये बनाओगे 7 की पावर 4 और 7 की अपन 4 बार गुणा करेंगे, इस तरह भी करके देखो 7 गुणा में 7 ठीक है, तो पहले 7 गुणा में 7 कर लो 49 आ गया, फिर आकर 7 गुणा में 7 कर लो 49 आ गया, और आपने इकाई का क्षेत्र की करना है लास्ट वाले की गुणा करनी है तो ऐड 9 है और ऐड 9 है तो 9 गुणा में 9 कितना आ गया 81 आ गया, और 81 में इकाई का अंक है 4, 1 आ जाएगा, तो इस काम से आ जाएगा इकाई का अंक 1 होगा, सिर्फ इस टॉपिक में यह बात उतरने जापन है बस शेष 1 बचा तो पावर 1 बनानी, शेष 2 बचा तो पावर 2 बनानी, शेष 3 बचा पावर 3 बनानी, लेकिन नोट करके लिख लो यह बात एग्जामिनर रहते क्वेश्चन कटा इसमें, मैं बालक सोचता मैं सिद्धार्थ ट्री तो ले जाते मैं 4 पे डिवाइड कर 2 शेष बच गया वाई पावर बना दो, लेकिन अपवाद का तौर पर अगर शेष 0 बच गया तो पावर 0 की बजाय कितना बनाना है 4,
और सात की पावर चार है तो सात गुणे में सात में इंचा सड़ेगा, सात गुणे में सात में इंचा सड़ेगा, तो आपने सिर्फ इकाई का अंतर निकाला है। इन लोगों को बेटा पेपर में इंचा गुणे में इंचा करेंगे फिर देखेंगे तब भी आंसर होगा ना, तो अपन जल्दी आंसर है करके करेंगे। नौ गुणा में नौ कितना जगह इक्यासी, इक्यासी में इकाई का कितना है एक, तो इसका आंसर एक आ जाएगा। तो इस तरीका था अपने इकाई का निकाला सीखा है। इसके बाद अपने इकाई का कदम भी गलती नहीं होगा अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मिक्स, ये तो आपने कली कली संख्या निकाली सीखी, एक क्वेश्चन में रहा है मिक्स क्वेश्चन बना उसमें, तो मिक्स में देखो वो कराओगे तो दो चार मिनट की वीडियो आएगी, उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिया अपने 105 की पावर 224 गुणा में 103 की पावर 35 ले लिया गुणा में, उसके बाद दिया अपने 224 की पावर ली 17 में इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक। पहले का क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ अपने पहले क्वेश्चन में कैसे क्या है भाई, अरे कोई भी एक संख्या दी उसमें इकाई का निकालना है इतना सीखा है, लेकिन ये करना सारे अगर निकालेंगे बीच में गुणा निशान तो भी गुणा करेंगे, प्लस का निशान तो प्लस करना, सिर्फ यह बात यह नहीं है जो करा कर आपने कल्ला इसका आंसर निकालूंगा। और इसमें बताया क्या भाई इकाई का अंक करने लास्ट आंसर 0157 तो पावर चेक क्यों करनी, वही आंसर बनेगा इसका। तो पांच की पावर से कितने ले पा, तो पांच की पावर 224 कुछ भी नहीं चेक करना, इसमें इकाई का अंक पांच रहेगा, उसके बाद इनमें करना पड़ेगा बस, दो है जो, तीन है जो, चार है जो, सात है जो, आठ है जो, नौ है जो, तो पावर ने कहता डिवाइड करना है, ये तो प्रैक्टिस भी होगी, चार तक डिवाइड करना है और इसने चार तक डिवाइड करा ली, तो चार अठे 32 कैसे सोचा, तीन से सोचा, और तीन की पावर तीन कितना हुआ 27, 27 में इकाई का अंक कटता हुआ सात, फिर गुणा का निशान, ये बड़ा चार है तो इसने चार चुके करा इकाई का चार आएगा, तो पावर ने इसने पावर ने चार तक डिवाइड करा दी, और चार तक डिवाइड करा पाता से कितना हुआ एक आवा, तो चार की पावर कितना गया चार, तो बड़ा चार आएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, बीच में गुणा का निशान तो गुणा करनी है, कुकर मेरा बैठा गुणा निशान है वो ऊपर दिया पाओ का समापद है, अग्रिम निशान गुणा का तो गुणा करनी है इनकी, प्लस का निशान तो प्लस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा गुणा में गुणा क्वेश्चन लिया अपने, तो एक इनकी गुणा कर लो 5 37 35 गुणा में 4 करो 140 आवा, और 140 में इकाई का कितना जगह 0 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, इकाई का कितना हुआ 0 हुआ। मतलब पूरी उम्मीद है इतने क्वेश्चन करें आप अच्छा कदे भी इकाई का अंक गलत नहीं करोगे, ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन भी कर लिया अपने तो अपने इकाई का अंक कदे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन है अगर आप निकालना सीखना देखो कराओगे, एक आए नहीं बीच में कोई भी संख्या गया बीच में प्लस का निशान है जो माइनस का निशान है वो खुद भी कर लोगे, जो पर मैं इनका दोनों पर संख्या नहीं 125 प्लस में 135 प्लस में 112 में इकाई का अंक क्या होगा, ये तो जो बड़का क्वेश्चन है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इमेज का दोनों अपन तरीका भी है उसका, अगर मैं बेसिक तरीका रखना देता तो इकाई का अंक अपन मुंह मेरा बैठ गया पर जो लास्ट वाली संख्या है वो इकाई का अंक होगा, तो अगर मैं तुम्हें बेसिक तक दस ने पहला मिलेंगे 125 फिर 135 और फिर 112 बीच में निशान प्लस का तो साइन में प्लस करता, तो जब साइन में प्लस करो 5 5 10 का 2 12 3 2 5 6 अरे कैसे लगा 7 3 3 बजेगा, तो यह संख्या है 372 में इकाई का कितना गया अपना 2 होगा, तो इसका आंसर आएगा 2। लेकिन मैंने कहा चलो चलो ये तो छोटी संख्या थी पापा ने तो गलती ही जोड़ दिया 372 में इकाई का अंक 2 आएगा, लेकिन अगर संख्या होती है हजारों में लाखों में तो फिर आप उन्हें जोड़ दे फिर आप मैं इकाई का अंक लेकर आंदे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, और पेपर में अपना टाइम इंपोर्टेंट है नो इंपोर्टेंट बिल्कुल अपना आवा या नहीं आवा है, अगर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम है बढ़िया तरीका था नौकरी लेनी है या तैयारी करके नौकरी लेनी है तो अपने आने तो चाहिए जरूरी, लेकिन वो कम समय में आना चाहिए, मैंने बात की आपने, ठीक है। तो इसमें क्या करना है पापा इस तरीका तो बस निकलेंगे अपना मतलब इकाई का अंक है तो सिर्फ सारे का इकाई का अंक खा लो लास्ट आंसर खा लो तो सारे का लास्ट आंसर था होंगे क्योंकि इसमें 5 है इसमें भी 5 है इसमें 2 है। उसके बाद की गणना इनका बीच में प्लस का निशान तो प्लस करना है गुणा का निशान तो गुणा करना है दो ही प्रश्न बनेंगे चाहे प्लस में चाहे गुणा में, तो ये इनका बीच में प्लस का निशान तो प्लस कर दो 5 5 10 10 2 12 और 12 में इकाई का अंक आएगा 2 आएगा, अड़ते भी आंसर 2 आया है और अड़ते भी आंसर 2 आया है, लेकिन अपना पेपर में जल्दी लेगा आंसर है तो इसमें अपना इस तरह करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो इन्हें क्या बीच में गुणा का निशान होता किसका निशान होता गुणा का निशान होता तो इनके आप सारे की गुणा करते, ठीक है। गुणा का क्वेश्चन ले लो लास्ट क्वेश्चन बची उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन देवा 1007 गुणा में 1025 गुणा में 387 मैंने कहा चलो संख्या ली और इसमें इकाई का निकाला है
में इकाई का अंग्रेजी लो। देखो चलो आपने पहला बेसिक रहा प्लस वाला क्वेश्चन है तो उसमें सारे प्लस गया 372 था इकाई का गया, लेकिन अगर इसने बेसिक तक लगे गुणा करा और ये पहला तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी फिर इकाई का निकलूंगा, तो कई बार कहते इनकी गुणा होने का नहीं कहते गुणा करो तो देखिए 1007 गुणा में 1035 गुणा में 387 इससे में टाइम चलेगा अपना, तो बड़े यही छोटी काम होगी बस सारा का लास्ट अक्षर ले लो, इसका 25 सात आवा इसका पांच आवा इसका सात आवा, तो 7 गुणा में 5 गुणा में 7 ये पेंशन गुणा का तो गुणा करनी पड़ेगा अपने, ठीक है। और गुणा करने का तरीका है 5 से 35 तो 35 है नहीं ये 35 गुणा में 7 फिर कोई खत्म हो गया अपने टाइम ज्यादा लगा तो 35 में अपना मतलब सिर्फ 5 था इकाई का अंतर तो ये 3 और कट जाता है, फिर गुणा करेंगे 5 से 35 का जगह 35 है और 35 में इकाई का अंक है 5 तो इसमें इकाई का अंक है जगह 5। अगर दोस्तों तुमने बढ़िया तरीका होता है तैयारी करके नौकरी लेनी है तो इस चैनल का हर रोज 2 वीडियो आए करेंगी, एक वीडियो होगी अपनी मैथ की एक वीडियो होगी लिखने की, अगर बढ़िया तरीका होता है जमा फ्री में तैयारी करनी है और सारी की सारी वीडियो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें अपना कोई भी चार्ज नहीं हो इसका, ठीक है। अगर बढ़िया तरीका तैयारी करोगे तो लगातार वीडियो देखियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो, ठीक है। धन्यवाद।